नमस्कार, मैं राजीव श्री अरविंद सोसाइटी की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हम आज शिक्षा में सुनिवेश नवाचार कार्यक्रम जेड आई आई टी आई द्वारा संकेत एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम अनुवादी पाठशाला के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के कक्षा 5 के गणित विषय की पुस्तक गिनतारा के पाठ 14 ज्यामिति कोण पाठ में एक नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की गतिविधि प्रश्न बैंक की वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय और कक्षा में अवश्य क्रियान्वित करेंगे। इस पाठ को जेट आई 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 के कई नवाचार के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज इसे प्रश्न बैंक से समझेंगे। पाठ का सार प्रस्तुत पाठ ज्यामिति कौन बिंदु किरण और कौन से परिचय पर आधारित पाठ है। इसमें गणित के साथ भाषा के लिए हिंदी विषय को भी एकीकृत किया गया है। नवाचार की नवीनता। इस नवाचार की नवीनता उपयोगिता यह है कि कक्षा के छात्र अपने मौलिक ज्ञान से अपने सहपाठियों के साथ मिलकर स्वयं भी पाठ से अलग अलग प्रकार के प्रश्नों का निर्माण करते हैं, जिससे पाठ का पुनः अध्ययन आसान हो जाता है। आईएएस के क्रियान्वयन की प्रक्रिया को देखते हैं। इसके अंतर्गत शिक्षक छात्रों को पढ़ाए जा रहे पाठ के पुनः अध्ययन की अवधारणा के माध्यम से बिंदु किरण और विभिन्न कोणों के प्रकार की जानकारी की सहायता से प्रश्न बनाने की समझ विकसित करते हैं और पुनः अध्ययन करते हैं। इसके क्रियान्वयन में 20 मिनट का समय लगता है। इसके लिए किसी प्रकार के पूर्व प्रबंधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रश्न बैंक बनाने के निर्देश। शिक्षक सबसे पहले विद्यार्थियों को 7 समूहों में बांट देते हैं। प्रत्येक समूह से एक प्रतिनिधि चुना जाता है जो समूह का नेतृत्व करता है। प्रतिनिधि निर्धारित विषय वस्तु से विभिन्न प्रश्नों को संकलित कर प्रश्न बैंक तैयार करते हैं। इसमें वैकल्पिक तथा व्याख्यात्मक उत्तर वाले प्रश्न होते हैं। हर समूह प्रश्न बैंक की उत्तर कुंजी भी बनाते हैं और आपस में प्रश्न बैंक की अदला बदली कर एक दूसरे की जानकारी को शेयर किया जाते हैं। इस प्रकार सभी समूहों के प्रश्न बैंकों को संकलित कर कक्षा का एक प्रश्न बैंक भी बना लिया जाता है और अंत में कक्षा में प्रश्नों के उत्तर भी बताए जाते हैं, जिसको विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेते हैं। आइए इन प्रश्नों को उदाहरण में देखते हैं। किसी किरण में कितने अंतिम बिंदु होते हैं? 1। दो किरणों के मध्य के झुकाव को क्या कहते हैं? उत्तर कोण। किसी कोण को मापने की इकाई क्या है? डिग्री। कोण को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? चांदे का। 105 डिग्री किस प्रकार का कोण है? अधिक कोण। इसी तरह शिक्षक छात्रों को पढ़ाए गए पाठ से विभिन्न कोणों के प्रकार के कॉन्सेप्ट पर प्रश्न बनाने की समझ विकसित कर पाठ का पुनः अध्ययन कराते हैं। आइए इस नवाचार के क्रियान्वयन से होने वाले लाभ और प्रतिफल के बारे में भी जानते हैं। प्रश्न बैंक बनाते समय छात्र जो संवाद करते हैं, पाठ से महत्वपूर्ण जानकारियों को चुनते हैं और उसके कॉन्सेप्ट से प्रश्न पूछते हैं, उससे पाठ का आसानी से दोहराव और स्मरण हो जाता है। कोणों तथा आकृतियों की पहचान करना, कोणों को मापना और बनाना तथा कोणों को माप के अनुसार समकोण, न्यून कोण व अधिक कोण में वर्गीकृत करना सीखते हैं। छात्र अपने परिवेश में घटने वाली विभिन्न घटनाओं की जानकारी प्राप्त करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, निजी अनुभवों को साझा करते हैं और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। विषय वस्तु से जुड़े शब्दों का सही उच्चारण और अर्थ सीखते हैं तथा वाक्य बोलना और वाक्य बनाना भी सीखते हैं। इससे भाषा सीखने के स्तर में वृद्धि होती है। इस नवाचार से विद्यार्थियों में शिष्टाचार और विनम्रता जैसे मूल्यों और गहन सोच के कौशल का विकास होता है। यह नवाचार विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के लिए बहुत उपयोगी है और बाल केंद्रित दृष्टिकोण होने से एनसीएफ 2005 के उद्देश्यों की भी पूर्ति करता है। इस नवाचार में विद्यार्थी शिक्षक अनुपात का पूरा ध्यान रखा गया है। शिक्षक ज्यामिति कोण पाठ को उत्तर प्रदेश पाठ्यक्रम के अनुसार दिसंबर माह में पढ़ाते हैं और बच्चे रोचक व अभिनव नवाचार के साथ गतिविधि का आनंद लेते हुए पढ़ाई करते हैं। इस नवाचार का वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। इस तरह के कई दिलचस्प नवाचार हम आपके लिए लाते रहेंगे।
इसके लिए आप जेट आई आई टी आई के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो जेट आई आई टी आई के फेसबुक पेज को लाइक करें, और नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इनोवेटिव पार्सल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।